होली क्यों मनाई जाती है और क्यों हर साल हम उसी परंपरा को निभाते हैं, उससे हमें क्या फायदा है और कौन सा बड़ा राज हमारे पूर्वज इस होली की परंपरा के माध्यम से हमें बता गए थे, आज इसी के राज के बारे में जानेंगे। क्योंकि यह राज इतने काम का है कि जितनी भी इसकी तारीफ की जाए कमी है, जिसको जानने के बाद आपकी यह होली इतनी खास बन जाएगी कि आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे और आगे आने वाली हर होली का आपको फिर से इंतजार रहेगा। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, और सिर्फ अब कुछ ही घंटे बचे हैं इस जलाने वाली होली की इस परंपरा को निभाने के लिए। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएंगे, जिससे सभी इस बार होली की वैसी ही परंपरा निभा सके जैसा कि उसको आपके लिए होना चाहिए था। और आप ऐसा ही करेंगे, हम आपसे ऐसा करने की आशा तो कर ही सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी उसी लीजेंड कहानी से शुरू करते हैं, जिसको हम आज तक पढ़ते या सुनते आए कि होली क्यों मनाई जाती है, और फिर जानेंगे इस परंपरा के पीछे असली काम के रहस्य को, जो हर इंसान की लाइफ को बदलने की ताकत रखता है। इस कहानी के अनुसार एक असुर राजा हिरण्यकश्यप था, और उसकी एक बहन जिसका नाम होलिका था, और हिरण्यकश्यप का एक पुत्र जिसका नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप ने भगवान से वरदान मांगा था कि वह ना तो जमीन पर मरे, ना धरती पर, और ना दिन में, और ना ही रात को। और ऐसे ही उसने बहुत सी कंडीशन अपने दिमाग के हिसाब से सोचकर भगवान को बताई थी कि जिससे वो कभी ना मर सके। और फिर ऐसा करने के बाद वह अपने आप को भगवान ही मानने का घमंड करने लगा था, और उसने अपने राज्य में भगवान की पूजा भी बंद करवा दी थी, क्योंकि वह अपने आप को ही भगवान मानता था। लेकिन उसी का पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति उनके लाख मना करने पर भी करता रहा, लेकिन जब लाख कोशिश करने के बाद भी वह नहीं माना तो उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसको मार डालने का प्लान बनाया, जिसमें से उसका एक प्लान अपनी बहन होलिका के द्वारा उसको आग में लेकर बैठ जाने का था और उसको आग में भस्म कर देने का ही था, क्योंकि होलिका को तो वरदान प्राप्त था कि आग उसको भस्म नहीं कर सकती है। लेकिन जब प्रहलाद को आग में लेकर बैठी तो खुद ही आग में भस्म हो गई, मगर प्रहलाद बच गया। और तभी से होली का त्योहार हम मनाते हैं कि बुरे पर अच्छे की विजय हुई, या यूं कहे कि भगवान के भक्त हर मुसीबत से उनके ही द्वारा बचा लिए जाते हैं, और ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में ही इस होली की परंपरा को निभाया जाता है। और चलिए अब बात करते हैं उस राज की जो इस कहानी में छिपा है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आपको होली में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो आप अगर पूरी ईमानदारी से बताएं तो आपका जवाब शायद यही होगा कि असली मजा होली को जलाने में नहीं, बल्कि उससे अगले दिन रंग वाले दिन में आता है। और सारे बच्चे भी शायद इसी को ही होली मानते हैं, होली मतलब रंगों से खेलना। लेकिन होली की परंपरा का असली मकसद इसी होली की रात को होता है, और इसी रात आप इसी परंपरा को निभाते हुए अपने साथ कुछ ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और इसी कहानी के अनुसार अगर इसको समझा जाए तो जो यह कहानी अंदर की बात बताती है वह यह है कि इस दिन फिर से भगवान विष्णु अपने भक्तों को बचाने के लिए वहीं अग्निदेव के साथ तैयार रहते हैं, जहां यह होली की रस्म जलाकर निभाई जाने के लिए तैयार की जाती है, जिसमें से अग्निदेव को आज्ञा होती है कि जो भी तुम्हें बुरा दिखे तुम उसको जला देना, और जो भी अच्छा होगा मैं उसको बचा लूंगा। लेकिन अब यही वक्त होता है जब आपको भक्त प्रहलाद की तरह ही अपने आप को इसी जलती हुई अग्नि में से एक बार गुजारना होता है, और यह काम आपको आग में कूदकर नहीं करना है, बल्कि आपको इस जलती हुई आग से दूर ही रहना है, मगर आपको अपनी कल्पना के माध्यम से अपने आप को इस अग्नि के बीच में एक बार ले जाना होता है, और जो आप चाहते हो कि वह इस होली की आग में अग्निदेव जलाकर खत्म कर दे, वह सब वही जलता हुआ आप अपनी ही कल्पना में अपनी आंखों से होता देखे, और जो आप अपने अंदर बचाना चाहते हो वह सब आप अपने लिए बचा सकते हो। और जब आप यह काम अपने दिमाग में सब होता देखें तो आपको इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि आपके पूजे जाने वाले भगवान आपके लिए इतना तो बड़ी आसानी से कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको भी वही चीज यहाँ काम आएगी जो भक्त प्रहलाद के लिए काम आई थी, क्योंकि प्रहलाद को पता था कि उसके भगवान उसको हर मुसीबत से बचा लेंगे, इसलिए वह किसी भी सजा के लिए तैयार रहता था। इसलिए यहाँ आपकी भी भक्ति की या भगवान के प्रति विश्वास की परीक्षा होगी। और चलिए अब इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। जैसे कोई इंसान बीमार है और वह उस बीमारी से सही नहीं हो रहा है और वह चाहता है कि उसकी ये बीमारी खत्म हो जाए, तो ऐसे इंसान को यह प्रयोग इस होली पर करना ही चाहिए, क्योंकि इंसान की सारी बीमारी की जड़ उसके दिमाग में ही होती है, और अगर वह इस बीमारी को दिमाग के बेस पर ही इस होली में जला दे तो उसके दिमाग में बची इस बीमारी की सारी जड़ें अग्निदेव अपने साथ जला देंगे, और जो सही है उसको भगवान विष्णु बचा ही लेंगे। इसलिए अगर आपने इसी प्रक्रिया को जिस भी चीज के लिए इस बार होली में किया, समझ लेना वह तो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, अग्निदेव के हाथ जो लग जाता है वे उसको भस्म किए बिना नहीं छोड़ते हैं। आप उनको एक बार कुछ अर्पण करके तो देखो फिर वे कैसे सब चीजों को जलाकर भस्म कर देते हैं।
अब हो सकता है कि आपको यह लग रहा हो कि यह क्या इतना ही आसान सा काम है कि सोचो और हो गया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह वाकई इतना ही आसान सा काम है मगर आप सही से कर पाओ तो। इसलिए आप भी अभी से अपने मन में वे सारी चीजें तैयार कर लें या एक दो वे बड़ी चीजें तैयार कर लें जिनसे आप अपना पीछा छुड़वाना चाहते हो और जिनको आप चाहते हैं कि इस होली पर अग्निदेव अपने साथ ले जाए, और वह कुछ भी हो सकता है लेकिन वह चीज आपके खुद के शरीर और दिमाग के लेवल की होनी चाहिए। किसी दूसरे के लिए आप ये प्रयोग नहीं कर पाओगे और ना ही आपको किसी दूसरे के लिए यहाँ कुछ करना है, क्योंकि वैसे भी इंसान की सारी परेशानियाँ शरीर और दिमाग के लेवल पर ही होती है और शरीर के लेवल की सारी परेशानियों का हल दिमाग के पास होता है और दिमाग के लेवल की परेशानियों का हल हमारी सोल या भगवान के पास होता है। और जब आज खुद भगवान विष्णु और अग्निदेव आपका इंतजार होली के उस स्थान पर कर ही रहे हैं जहां आप होली जलाने वाले हो, तो क्यों ना अपनी सारी मुसीबतें आज अग्निदेव को होली की रात दे ही दी जाए। और एक बात का खास ख्याल रखें कि जिस भी चीज को आप इस बार होली में अग्निदेव को दे आए उसे फिर वापस अपने घर न लेकर आए। जैसे कोई बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी वहाँ दे आए तो आपके दिमाग में बस एक हेल्थी इंसान के जैसे ही विश्वास होना चाहिए, ना कि उस बीमारी के सही होने या ना होने का ख्याल। और आपको विश्वास होना चाहिए अपने द्वारा किए गए इस काम पर और अपने भगवान पर, और अगर आपने ऐसा किया तो बस आपका मनचाहा काम हो गया और अब आप खुशी से अपने घर आ सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। और जब आपके पास आज की रात ना तो कुछ बुरा बचा है और ना ही कुछ गलत बचा है, तो कल आप पूरे दिन रंगों से खेलेंगे, क्योंकि आपके सारे दुख चिंता आदि सब अग्निदेव अपने साथ ले गए और आपको बस मजे लेने के लिए छोड़ गए हैं। और अब आप सही मायने में पहली बार होली को पूरे जोश के साथ मनाएंगे। और यहाँ मैंने आपको कोई टोना टोटका नहीं बताया है, ये वो चीजें हैं जिनको साइंस अभी खोज ही रहा है, लेकिन हमारे पूर्वज हजारों साल पहले इन सब काम के राजों को जानते थे और वे चाहते थे कि सभी लोग इनसे फायदा उठाए, इसलिए उन्होंने बहुत सी परंपराएं बनाई। लेकिन आज के समय में हमारे पास सिर्फ परंपराएं बची हैं, उनके असली मकसद तो जैसे कहीं खो ही गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब फिर से वक्त आ गया है उन सब सारी काम की बातों को वापस जान लेने का जिनको हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से इजाद किया था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आपको हमारे चैनल BMS ट्रेजर की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि इस होली में अग्निदेव आपकी सारी बुराइयां जलाकर खत्म कर दे और जो आपके पास बचे वह वही हो जिसको आप चाहते हैं कि वह आपके पास हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।